अब सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय 2018 के फाइनल में जो प्रश्न पूछा गया उसको बना रहे हैं। आज आगे का सवाल बनाते हैं। आगे का सवाल है सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जो है ना देश के गिने चुने स्कूलों में से एक है पढ़ाई के मामले में, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ बच्चे को पैसा खर्च 9 के बराबर करना पड़ता है, समझ गई ना, और पढ़ाई भी बहुत अव्वल दर्जे का होता है, तो बच्चा को इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि एक परसेंट बच्चा भी उसके लायक पढ़ाई नहीं करता है, समझ गई ना, वो सब इंग्लिश मीडियम में भागता है पढ़ने के लिए CBSE, और रिजल्ट 0, वहाँ के टीचर कोनो बढ़िया है नहीं, सब प्राइवेट स्कूल है। एक आध वो सरकारी है ही हुआ, जैसे सैनिक स्कूल है या अन्य उसी प्रकार का है, तो वो सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा का खर्चा होता है, साधारण परिवार का बच्चा वहाँ जा ही नहीं सकता है, क्वालिफाई भी कर जाएगा तो भी नहीं जा सकता है, काहे को उतना पैसा उसका गार्जियन कहाँ से लगेगा। ठीक है, हम लोग सिमुलतल्ला में क्वालिफाई करने के लिए ही फोकस करेंगे और उसी को इस तरह से तैयार करेंगे, बनाकर सवाल को इतना प्रैक्टिस करेंगे और कराएंगे कि आप लोग का निश्चित रूप से उसमें हो जाए, समझ गई ना। हाँ ठीक है, सवाल है पांचवा, एक दर्जन सेल का मूल्य 180 रुपया है और 8 कर दिए की बात। प्रश्न है मैथ का कि एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया, तो पेन और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात निकाल, दोनों के मूल्य का क्या अनुपात है ये निकालना है हमको, है ना, यही ना निकालना है। प्रश्न समझ में आ गया ना। हमको निकालना है एक पेन और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात, अनुपात का प्रश्न, क्योंकि एक दर्जन पेन का मूल्य कितना है, मूल्य बराबर है 180 रुपये, है ना, इसीलिए एक पेन का मूल्य बराबर होगा एक सौ अस्सी बटा 12, चूंकि एक दर्जन बराबर 12 होता है, चूंकि एक दर्जन बराबर 12, है ना, अभी कटेगा, हाँ बेटा कटेगा 15, ये निकल गया 15 रुपया निकल गया, एक पेन का मूल 15 रुपया निकल गया, अब ऊपर बैठा दे, और 8 बॉल पेन का मूल 56 रुपया,
इसको भी मिटा देते हैं। 15 रुपए निकल गया है। एक पेन का मूल्य 15 रुपए। आठ बॉल पेन का मूल्य बराबर है 56 रुपए। इसीलिए एक बॉल पेन का मूल्य कितना हो गया, मूल्य बराबर 56/8 बराबर 7 रुपया। 7 रुपया निकल गया। एक बॉल पेन का मूल्य बराबर निकल गया 7 रुपया। अब पेन और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात बराबर 15:7। यही हमारा आंसर होगा। और एक दर्जन पेन से एक पेन का मूल्य निकाल ली। उसके बाद 8 बॉल पेन दिया हुआ है, उसका कीमत तो एक बॉल पेन का मूल्य निकाल दी। अनुपात दोनों का होगा, पेन का कीमत बटे बॉल पेन का कीमत, एक बॉल पेन का कीमत, दोनों के एक एक पेन का कीमत निकाल दी, वही दोनों का अनुपात है। प्रश्न है आगे, 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर तार लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर की दर से निकाल। समझ गई? हाँ। सब समझ आया? हाँ। ये एक वर्गाकार बगीचा है, है ना, जिसका एक भुजा कितना है, 60 मीटर। तो इसके चारों ओर मान लें कि ए बी सी डी है वर्ग, तो इसके चारों ओर तार लगाने का खर्च, तार से घेरना है, है ना, तार लगाने का मतलब चारों ओर तार से घेरना है, उसका खर्च निकालना। तो 1 मीटर तार लगाने का खर्च 25 रुपया दिया हुआ है, तो हमको पहले क्या निकालना होगा, वर्ग की परिमिति निकालनी होगी। सबसे पहले क्या निकालना होगा, वर्ग का परिमिति निकालना होगा, तबे चारों ओर परिमिति निकल जाएगा, तो तार लगाने का खर्च निकल जाएगा। ठीक है, अब वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, 60 मीटर। तो वर्ग की परिमिति बराबर भुजा गुना 4। वर्ग की परिमिति बराबर भुजा गुना 4 होता है। भुजा गुना 4 ये बराबर हो जाएगा, भुजा है 60 गुना 4 बराबर 240 मीटर, है ना। वर्गाकार बगीचे का परिमिति हमको कितना निकल गया, 240 मीटर निकल गया। इसका परिमिति हमको निकल गया 240 मीटर, फॉर्मूला था, निकल गया। हमको निकालना है खर्चा तार लगाने का, तो हमको दिया हुआ है 1 मीटर का खर्चा 25 रुपये। ऊपर वाला मिटा दीजिए। एक मीटर तार लगाने का खर्च कितना है, का खर्च या व्यय
व्यय लिखा है। हाँ व्यय लिखा है। व्यय बराबर है 25 रुपया। 25 रुपया दिया हुआ है चूंकि इसीलिए 240 मीटर तार लगाने का खर्च बराबर होगा 240 गुना 25 बराबर 6000। व्यय कितना निकल गया बराबर 6000 रुपया 6000। यही आंसर हो। इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं? कुछ नहीं, परिमिति निकाल ली। परिमिति जब निकल गया तो हमको 1 मिनट 60 लगाने का खर्चा दिया हुआ है तो उतना में 25 से गुना कर दिए। 1 मीटर का खर्चा 25 रुपया है तो परिमिति में 25 से गुना कर दिए, वही कौन खर्चा हुआ। यही आंसर हुआ। कर दिए। प्रश्न कह रहा है कि दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में व्यक्त कर। इसको है प्रश्न है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है ना, तो इसको हम प्रयोग कर सेंटीमीटर में व्यक्त करना है। हाँ, हाँ। तो मिली सेंटी डेसीमीटर मतलब ये हो जाएगा कितना 9.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। हाँ। क्योंकि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है तो 10 से भाग दे दिए। हाँ। और इसको लिखने के लिए कहेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, व्यक्त करने के लिए बोलेगा तो 9 + 5/10 बराबर 9 + 0.5 = 9.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कायदे से लगता है। अब 154 मिलीमीटर है ना, तो 154/10 है ना बराबर 15.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कन्वर्सन था, इसमें कुछ नहीं करना। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना था, सेंटीमीटर मिलीमीटर को सेंटीमीटर 10 से भाग दो तो याद मिली सेंटी डेसीमीटर, ये दिमाग में याद रखो। नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिठा दे। हाँ कर दी। सवाल है कि निम्नलिखित को आरोही व अवरोही क्रम में लिखे, समझ गई ना। तो आरोही क्रम में मतलब होता है चलते हुए, अवरोही होता है मतलब ऊपर से नीचा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वही उसका मतलब होता है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, समझ गए। तो हम शुरू करते हैं लिखना, ये बात समझने का है। हाँ। जो सबसे छोटा होगा वो पहले होगा, यही आरोही क्रम। दशमलव का भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, बट्टा का भी होता है। और इसमें सबसे छोटा कौन है, 1/10 है, तो यहाँ लिख देते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम होगा 1/10 2/10 5/10 6/10 5/6 8/10 और क्या है, नहीं है 9/10। ये हमारा हो गया आरोही क्रम, इसी का अवरोही क्रम, इसी का अवरोही 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 क्रम ठीक उल्टा 9/10 8/10
बटा दस, पाँच बटा दस, दो बटा दस, दस और एक बटा दस, ये हमारा क्या हो गया अवरोही क्रम। अब इसको लिखना है सेम वैसे ही लिखा है। दो का अवरोही क्रम इसका लिखना है, तो क्या है सबसे छोटा? एक बटे सात, एक बटे सात, एक बटे सात, दो बटा सात, तीन बटा सात, चार कर दिए, एक बटा सात, दो बटा सात, तीन बटा सात, चार बटा सात, पाँच बटा सात और ग्यारह बटे सात, ग्यारह बटा सात इतना। अब इसी का अवरोही क्रम लिखना, अवरोही क्रम मतलब ठीक इसका उल्टा, इधर से शुरू कर देंगे, ग्यारह बटे सात, पाँच बटे सात, पाँच बटे सात, चार बटे सात, तीन बटा सात, दो बटा सात और एक बटा सात, हो गया। हाँ। ये दोनों आरोही अवरोही क्रम हो गया। हाँ। यही निकला था, इसे समझने का बात है। आरोही मतलब चढ़ना, अवरोही मतलब उतरना, सबसे नीचे या सबसे ऊपर से, यही आरोही अवरोही क्रम, ठीक है। तो रहने दे यार। और इस साल का खत्म भी हो गया, ठीक है, 2018 का फाइनल खत्म हो गया, बाकी उसमें सिर्फ जीके बचा है, सवाल नहीं है, नहीं अब इसमें मैथ का सवाल तो नहीं है, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता है। हाँ। तो वो एक प्रकार का मैथ है जिसमें पैटर्न वाला ज्यादा पूछा है, पैटर्न वाला ठीक है, बाकी कॉल बनाने में हम कल ग्रांड भी है, आज इतना ही रहने देते हैं।